हेलो जेमिनीज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले जेमिनीज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। तो चलिए जी जेमिनीज, देखते हैं कि ये वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ से हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है सीक, एंड इन जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है लॉयल हार्ट। तो जेमिनीज, यहाँ पे लॉयल हार्ट का कार्ड मुझे कहता है चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत ही डिवोशन, बहुत ही डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। एक ट्रुथफुलनेस मुझे दिख रही है, एक लॉयल्टी दिख रही है, और ऐसी ही लॉयल्टी इस वीक जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं या जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं उनसे भी आपको मिल सकती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन वही चीज़ बोल रहा है, बहुत एक डिवोशन है, डेडिकेशन है। ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो फाइनेंशियल गेन हो सकता है, पैसे रिलेटेड फायदा हो सकता है, और कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा एक रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रखते हुए दिख रहे हैं। कोई फीमेल हो सकती हैं जो कि अगेन मैं कहूँगी बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत रियलिस्टिक हैं, वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ के किसी एरिया में हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पेंटिकल्स कहीं लैंड प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग बेचने के बारे में सोच रहे हैं। तो फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है, और अगेन मैं कहूंगी कि पैसे से रिलेटेड ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है सीक, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ में विदड्रॉ कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली या बहुत मैं बोलूँगी एग्रेसिवली किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आप रेस्ट लेना चाहते हैं, पॉज लेना चाहते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेमिनीज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये नहीं करते हैं, हम इतना ज़्यादा एक रैट रेस में होते हैं कि हम अपने ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं, हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। तो बहुत सारे जेमिनीज के लिए मुझे दिख रहा है कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए लॉयल हार्ट का कार्ड कहता है कि हो सकता है बहुत सारे जेमिनीज ये लॉयल्टी अपने साथ दिखा रहे हैं, जो कि अगेन मैं कहूँगी जेमिनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप के लिए ट्रुथफुल, अपने आप से सच बोलना, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी लॉयल्टी होती है जो हमें करनी चाहिए। ये एक डेडिकेशन, ये एक डिवोशन हमें अपने लिए भी दिखानी चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी जेमिनीज कि आप लोग इस वीक कर रहे हैं। इन ऑल ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हम देखें कि आपके लिए लकी कलर और लकी डे क्या है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि सैटरडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है, एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो।